हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिवीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे और नेडा 500 एमजी टेबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इस टेबलेट में दोस्तों सॉल्ट कंटेन है और नेडा जोल 500 एमजी। तो आज दोस्तों बताएंगे इस टेबलेट के यूज़ के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में और कुछ सावधानी के बारे में बताएंगे जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ऑर्नेटा 500 एमजी टेबलेट का अगर जो मुख्य इस्तेमाल है उसकी बात की जाए, तो बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। और ऑर्नेटा 500 टेबलेट दोस्तों एक एंटीबायोटिक दवा है जो कई बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण के इलाज में मदद करती है। यह संक्रमण पैदा करने वाले जीवों को मारने और उनके विश्वास को रोकने का काम करती है। इस तरह यह लक्षणों को राहत देता है और उपचार प्रक्रिया को तेज करता है। यह दवा आमतौर पर आपको बहुत जल्दी बेहतर महसूस कराती है। हालांकि जब तक यह निर्धारित है तब तक आपको इसका उपयोग जारी रखना चाहिए, भले ही आप बेहतर महसूस करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैक्टीरिया और परजीवी मारे गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बन रहे हैं, तब तक इस दवा का उपयोग जो है हमें करते रहना चाहिए। अपने डॉक्टर से बिना पूछे इस दवा को बंद नहीं करना चाहिए। अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों, इस दवा के सबसे आम दुष्प्रभाव जैसे सर दर्द, मुँह में सूखापन, मतली और मुँह में हल्का धातु जैसा स्वाद होना, ठीक है, यह आमतौर पर हल्के होते हैं। लेकिन अगर ये आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों में अधिक समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं, तो हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मुंह में किसी भी तरह के सूखेपन या धातु के स्वाद को दूर करने के लिए आप चीनी रहित कैंडीज या लोजेंग्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस दवा को उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें कि क्या आपको किसी दवा से एलर्जी है, या किडनी या लीवर की कोई समस्या है, या तंत्रिका तंत्र की कोई बीमारी है। आपका डॉक्टर खुराक बदल सकता है या कोई अलग दवा भी लिख सकता है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो यह दवा तब तक नहीं ली जानी चाहिए तक कि वह बिल्कुल आवश्यक ना हो और आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित ना हो। यह कुछ चिकित्सक परीक्षणों में असामान्य परिणाम दे सकता है, इसलिए आपका इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को बताएं कि इस दवा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कुछ ऑर्नेटा 500 एमजी टेबलेट के बारे में। ओ सॉरी दोस्तों, अगर इसके MRP की बात की जाए तो इसका MRP है दोस्तों 132 रुपये 10 गोली की पैकिंग का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कौन ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।